I made a tortoise. Uh-huh. What's that? Okay. I just are you ready? Both. Are you ready? Emu? Yes, are you ready? I am ready. I just have to wear the shoes. Are you ready, Parishe? You got everything? Yes, sir. What happened to you? Are you trying to have a balance? ये एल्मा का फ्रूट बास्केट है जो कि एल्मा लेके जा रही है अपने स्कूल चले हमारा क्या प्लान था हमारा प्लान बहुत जालिमाना प्लान था गाइस असल में वो प्लान अचानक हमने उसको सुबह देख के चेंज किया रात में कुछ और था अभी हम लोग जा रहे हैं एल्मा के स्कूल एल्मा को ड्रॉप करने प्लान ये था कि भाई अभी एल्मा के स्कूल में ना आज पेरेंट्स मीटिंग है तो एल्मा को हम लोग ड्रॉप करने जा रहे हैं पेरेंट्स ने मीटिंग वगैरह करके आना था और प्लान ये था कि इसको जो है ना इसके चाइल्ड केयर छोड़ना है सही है छोड़ते हुए चले जाएंगे लेकिन सुबह उठी इतनी खुश प्लान चेंज हो गया मेरा नहीं यार ये नहीं हो पाएगा नो चाइल्ड केयर टुडे नो चाइल्ड केयर लेट्स गो तो भाई ये प्लान था तो हुआ नहीं असल में ये रोती बहुत तो इसलिए मैंने बोला नहीं यार अपनी बेटी के साथ में आज ऐसा नहीं कर सकता है परीक्षा नो चाइल्ड केयर हॉलीडे ओके परीक्षा व्हाट्स योर फ्राइडे इंडी ओ व्हाट्स योर सेकंड फ्राइडे Elisha. Yeah. Do you play with Dad? Yeah. Emma. Yeah. That. This is called a spear. Yeah. Happy? Very good. This is called spear. Yes. Emma, she's so funny. अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप लोग सब ठीक हैं उम्मीद है ठीक होंगे तो सबसे पहले गाइस आप सबको रमज़ान मुबारक एल्मा के स्कूल में आज ऑटम फेस्टिवल हो रहा है तो ऑटम फेस्टिवल का सीन ये है कि गाइस जो भी एल्मा के स्कूल में जो भी वेदर आता है ये इस वेदर को सेलिब्रेट करते हैं विंटर हो फेस्टिवल हो स्प्रिंग हो जो भी ऑटम हो इसको सेलिब्रेट करते हैं तो अब ये ऑटम को आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त तकरीब जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा कि इनके आर्ट सेंटर में लिविंग आर्ट सेंटर में आप देखेंगे किस तरीके से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं ये है तो बस आप हमारे साथ रहें परीक्षा डू यू वांट टू कम टू एल्मा सिस्टर स्कूल यस डैडी चलो भाई अब क्या मिशन है घर देखते ओह हाँ चलो घर की अपडेट चल के देखते हैं चलें गाइस अब चल के देखते हैं कि हमारा घर कहाँ तक पहुँचा और गाइस इसी के साथ साथ हम लोग अपने घर पर आ चुके हैं हमारा जो माउंट बाकर में है और माशाल्लाह से जब जब हम लोग आते हैं आप देखें नए काम होते जा रहे हैं अब रूफ भी इन्होंने कर दी है छत को कर दिया है ज़बरदस्त हाँ अरे वाह दैट्स गुड यार बड़ी जल्दी जा रहे हैं ये मुझे ऐसा लगता है हाँ तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये काम खींच रहे हैं क्योंकि शुरू में काफ़ी मेरा जो है ना काम काफ़ी थोड़ा सा रुक सा गया था बड़ी लेट इन्होंने स्टार्ट किया तो दैट्स रियली गुड बहुत अच्छा लगता है जब जब हम लोग आते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ बनी हुई होती है तो दैट्स गुड अब ये छत मेरे ख्याल में अब छत के बाद ये ब्रिक्स लगाएंगे जो मैं आपको ब्रिक्स दिखाता हूँ खाली ब्रिक्स जो रखी हुई है ये अब ये लगाएंगे हर जगह चले अब अंदर चल के देखते हैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ दोबारा अरीबा क्या कर रही है हाँ भाई यार बहुत ऊँचा ऊँचा लग रहा है ना बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है घर क्या हुआ मम्मी डैडी स्टे द सेम रूम गर्ल परीक्षे ओके शो मी वेयर इज योर रूम ओके इज दिस वन योर रूम ओह नाइस विंडो गाइस देखिए अंदर से इस तरीके से होता है यहाँ के जो ऑस्ट्रेलियाई घर होते हैं ना ये लकड़ी के ही होते हैं ये आजकल जो है क्योंकि टिम्बर शॉर्टेज चल रही थी यहाँ पर तो इन्होंने स्टील के घर भी बनाना स्टार्ट किए लेकिन मेजॉरिटी जो घर होते हैं वो लकड़ियों के घर होते हैं
तो देखें पाकिस्तान के मजदूर भी बेचारे वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने जो है ना कितनी टफ जॉब है उनकी। और ये जो लकड़ी के जो पूरे फ्रेम है आप यकीन करें इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर पूरा ये घर बना के चले गए थे। समझ लेंगे कि पिंजरा जो हम बनाते हैं ना ये बड़ा पिंजरा है, इसको ऐसे आप ले लें। ये देखो ना अल्फ्रेस्को एरिया ऊपर से कवर्ड है, समझ रही हो। और तुम्हें पता है ये भी रूम वाली लुक देगा, घर के साथ मिला हुआ है ना बिल्कुल। अच्छा ये जो बराबर वाला है ना, ये जो फेंस है ये बराबर वालों का नहीं है, ये समझ लो इसके मैंने भी पैसे हाफ दिए, उसने भी पैसे हाफ दिए, हम दोनों का है। इसमें आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो भी घर बनते हैं ना, फर्ज करें अगर मेरी जो एक साइड जो है किसी और के दूसरे के घर के साथ मिलती है तो बीच में एक फेंस बनती है, एक दीवार बनती है, तो वो दीवार वो दोनों की होती है। समझ लें जब ये बनवा रहा था, क्योंकि इसका घर पहले बना तो इसने पहले ये चीज़ बनवाई है, तो इसने आधे पैसे, इसकी कॉल आई मेरे पास कि भाई इतने इतने पैसे लग रहे हैं, आधे पैसे कोई तकरीबन $600 या $700 मैंने दिए थे, उतने ही आधे इसके लगे थे। तो ऐसा होता है। और फिलहाल तो ये है कि हम लोग अभी घर नहीं जाएंगे, अब एल्मा को स्कूल से लेकर ही अपने साथ जाएंगे। सही है, हमारी कोई मीटिंग है 11 बजे मीटिंग वगैरह करके फिर एल्मा की छुट्टी होनी है 3:30 बजे, फिर उसके बाद मैं देखूँगा स्कीम चलाऊँगा कोई, अगर एल्मा की कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है स्कूल में तो फिर 3:30 तक ही रुकेंगे हम लोग यहाँ पर, कहीं ना कहीं शॉपिंग सेंटर वगैरह कहीं ना कहीं चले जाएंगे। आपको पता ही है गाइस रमज़ान का महीना है, और जो है खैर ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है मौसम बहुत अच्छा होता है, माशाल्लाह आज भी कोई बड़ा ही कोई खूबसूरत क्लासी मौसम हो रहा है। तो वैसे तो भूख और रोज़ा लगने की टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है, हाँ कल का रोज़ा बहुत ही टफ रहा, आपको पता ही है पहला रोज़ा सबको ही लगता है, तो हमें भी बहुत लगा था भाई। तो ये है, तो चलिए गाइस अब मेरे साथ रहें, तो जो है फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस व्हाट्स हैपनिंग, लॉली खरीदी जा रही है परीक्षा, आर यू बाइंग दिस वन, लेकिन टू मच लॉली नो गुड परीक्षा, वेरी बैड, ओके जस्ट वन, ओनली वन, जस्ट वन। इस सीन ये है कि अभी 10 बज रहे हैं, 11 बजे एल्मा की मीटिंग है, वो करने के बाद भी हम लोग को जाना नहीं है, हम लोग ने इसी तरीके से टाइम को पास करना है, कोई ना कोई शुगल ढूंढना है, तो यहाँ पर शॉपिंग सेंटर है करीब, तो ऐसी शुगल में आ गए हम लोग यहाँ पर, ताकि टाइम तो पास करना है फिर जाके काम स्टार्ट करना है। तो आज का दिन बहुत थकन, अभी से मुझे ऑलरेडी नींद आ रही है, तो ये भी एक है बड़ा मसला। परीक्षा टेल मी इज इट गुड लॉली और नॉट गुड लॉली, परीक्षा नॉट गुड लॉली। अच्छा इसको एप्पल जूस दिलाना है आप, हाँ। अच्छा आज वो ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, पहले ड्राई फ्रूट्स मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए ना घर में, हाँ ओके। एक बैग काजू का ले लेते हैं परीक्षा, दिस इज कैश्यू, थोड़े ठीक है, पिस्ताशू का है, और ये भी ले लेते हैं वॉलनट्स ना, हाँ अखरोट ला ला गाइस, अखरोट अखरोट। आई गॉट योर जूस हियर, व्हिच वन व्हिच जूस डू यू लाइक, एप्पल, दिस इज एप्पल परीक्षा। चलिए भाई जैसे ऐसे एल्मा की मीटिंग करीब आ रही है ये सब खत्म हो गया, टायर्डनेस जो है ना बढ़ती जा रही है, चलो अब चलते हैं। ओके गाइस पेरेंट्स मीटिंग के साथ साथ ये इनके यहाँ पे ऑटम फेस्टिवल भी हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा ये आर्ट सेंटर, अब यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस करेंगे सारे बच्चों की, कोई परफॉर्मेंस है
shit. चेक करें गाइस, अमेजिंग चीज़। ये सारे बच्चों ने जो है ये खुद बनाई है। ये आपको देखने से तो कारपेट लग रहा होगा, लेकिन ये कारपेट और रग नहीं है भाई, ये खुद बनाई है। ये कमाल की चीज़ है। ये पाउडर है, और ये चेक करें, इस फेस्टिवल में, इस ऑटम फेस्टिवल में सारे बच्चों ने जो अपने घर से इस तरह की सारी जो है ना वेजिटेबल्स और प्लांट्स वगैरह लेकर आना था, ताकि इन्होंने सजाना था। अब ये सारा यूज़ होगा ये इनके जो है ये चैरिटी करने, ये सारी चीज़ें चैरिटी हो जाएंगी। ओके भैया आ गए हैं आर्ट सेंटर से बच्चों की परफॉर्मेंस देख के। बड़ा ही कोई ज़बरदस्त अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑटम फेस्टिवल देख लिया भाई कि ये स्कूल वाले कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिली। तो ये है, तो गाइज अभी देखें 12:10 हो रहे हैं। एल्मा की छुट्टी 3:20 में होनी है, तो अभी टीचर से मैंने स्कीम चलाई। मैंने बोला यार घर जाने दो एल्मा को, क्योंकि मरे ब्रिज हमारा तकरीबन 35 मिनट्स दूरी में है, तो घर जाके वापसी आना वर्थ इट नहीं है। तो टीचर मान गई है, तो टीचर ने बोला सही है घर ले जा सकते हो। तो बस अब एल्मा का वेट कर रहे हैं। यकीन करें हम लोग सुबह वाले हैं नहीं, तो ऐसी थकन हो गई, नींद आ रही है ऐसी वैसी के मत पूछे आप। ओए होए होए होए, एल्मा का स्कूल जो है ना, एक चीज़ है ये बड़े डिमांडिंग है भाई बहुत। आपको यकीन करें, ऐसा नहीं कि बच्चे को आपने स्कूल में डाल दिया एंड आप कम्प्लीटली कटअप हो गए स्कूल से। नहीं भाई, ये आपको भी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रखते हैं स्कूल से। इस तरह के फेस्टिवल में आपको बड़ा इंकरेज करते हैं कि पेरेंट्स लाजमी आए, और जाहिर है सब सारे पेरेंट्स आ रहे होते हैं, और एक बंदा एक पेरेंट ना जाए तो वो फिर अच्छा भी नहीं लगता, एम्बेरस लगता है। और ऐसी कम्युनिटी हो जाती है कि जितने भी स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, क्लास के जो पेरेंट्स हैं, उन सबों की आपस में दोस्ती हो जाती है। हमारी भी सबसे बातचीत है, सलाम दुआ है, तो एक कम्युनिटी वाला चक्कर हो जाता है। तो फिर अब घर में जो है ना रह भी नहीं सकता, आपको आना पड़ता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। फिर क्या बंदा उनको झूठ बोलेगा, वो बोलेंगे ना यार, इंसान जजी भी हो जाता है कि यार आप कैसे पेरेंट हो, बच्चा आपको परफॉर्म कर रहा था, आप आए भी नहीं उसको देखने और एनकरेज करने भी नहीं आए, हौसला अफजाई करने नहीं आए। तो इस वजह से भी थोड़ा आना पड़ता है। और ऐसा नहीं है हर कुछ दिन बाद इनका कुछ तरह की जो है ना, इस तरह की कोई इनकी तकरीब हो रही होती है, कोई सेरेमनी हो रही होती है, कोई सेलिब्रेशन हो रही होती है, तो उसमें हमें आना ही आना होता है। मेरी बेटी, बड़ी बेटी आ गई। हाउ आर यू गर्ल? इसको एडिनो फ्रॉम बेंसी रोज। आई सॉ बेरोज एंड दुरा। ये बेरोज एंड दुरा, दे वर सिटिंग देयर एंड वाचिंग यू गाइस। परीक्षा, आर यू डूइंग बैलेंसिंग? Oh, don't fall. Oh, yes, yes, yes. Yeah, you did it, Parishe. Well done. Good job.